हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं राजरानी टाइम्स और आज हम बनाएंगे व्हिप क्रीम, केक सजाने वाली क्रीम, जिसे आप आसानी से घर में बना सकते हैं, वो भी किसी इलेक्ट्रिक बीटर के बिना। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले यहाँ पर फ्रेश क्रीम ली है, तो यहाँ पर हमने अमूल फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है। आप घर में मलाई से भी क्रीम बना सकते हैं। तो हमने जो बाउल ली थी उसे भी हमने 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था, और जो हैंड बीटर लिया है हमने वो भी फ्रिज में रखा था। तो ये दोनों ही ठंडे हैं, और क्रीम को भी हमने फ्रिज में रख दिया था 2-3 घंटे के लिए। तो जो गाढ़ी वाली क्रीम है वो हम ले लेंगे इस तरह से। और हमने जो बाउल लिया है जिसमें हम क्रीम बनाने वाले हैं, उसको भी एक बर्फ़ वाले बर्तन में रखा है। उसके नीचे हमने थोड़ी सी जो आइस ली थी वो रखी हुई है इस तरह से। तो इससे क्या हुआ कि क्रीम मेल्ट नहीं होगी और जल्दी से व्हिप हो जाएगी। हम इस तरह से बनाएंगे। और अभी गर्मियों का टाइम है तो ये इसमें थोड़ा सा बनने में टाइम लगता है, पर आप इस तरह से बनाएंगे तो ये जल्दी बन जाएगी और बहुत ही बढ़िया बनती है। तो ये थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। तो यहाँ पर हम 1/4 टीस्पून कॉर्नफ्लोरेट करेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने लगभग 2 चम्मच चीनी ऐड की है। तो इसे हम एक स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से हमारी व्हिप क्रीम बनके तैयार होगी। और यदि आप इसे नहीं छानेंगे तो अच्छे से नहीं बनेगी और इसमें दाने दाने से दिखते हैं। तो इस तरह से आप जब भी व्हिप क्रीम में चीनी ऐड करें तो आप छान कर ही इसका इस्तेमाल करें, या फिर जो मार्केट से आप आइसिंग शुगर खरीदते हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, लगभग 10 से 15 मिनट में ये बनके तैयार हो जाती है। अब ये थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसे फ्रिज में रखने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो गई है और इसे और भी ठंडी हो गई है। तो इसे हम थोड़ी देर और चलाएंगे तो ये बढ़िया से बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया व्हिप हुई है। तो अब हम इसे एक पाइपिंग बैग में भर लेंगे। तो घर में ही जो प्लास्टिक सीट वगैरह रहती है उसी से हम पाइपिंग बैग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने सारी ही क्रीम जितनी हमें ज़रूरत थी फिल कर ली है। अब हम यहाँ पर केक को डेकोरेट करेंगे। तो केक को आप अपने अनुसार डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया क्रीम बनी है और हमने यहाँ पर इसे बिना इलेक्ट्रिक बीटर के तैयार किया है। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं और केक भी हमारा बहुत बढ़िया सा डेकोरेट होगा। तो आप अपने अनुसार इसे जैसे चाहे वैसे डेकोरेट कर सकते हैं और इसे बनाने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो कभी कभी व्हिप क्रीम मार्केट में नहीं मिलती या आपको केक बनाना है तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है। इलेक्ट्रिक बीटर सभी के पास नहीं होता, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और हमने स्पून की मदद से भी व्हिप क्रीम बनाने का वीडियो हमारे चैनल पर शेयर किया है, तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।